दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी इनकमिंग कॉल आता है और आपके उठाए बिना ही वो रिसीव हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ईयरफोन में एक फीचर होता है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को नॉलेज होती है, इसलिए अगर गलती से ये सेटिंग वहाँ से एनेबल हो जाती है तो फिर जो भी इनकमिंग कॉल आता है वो ऑटोमेटिक रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता। सपोज कीजिए आपकी जेब में फ़ोन रखा हुआ है, कोई कॉल आता है और इमीडिएटली वहाँ पर रिसीव हो जाता है, आपको तो उसकी बेल की भी आवाज़ नहीं आएगी तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कॉल रिसीव हो चुका है। आपके साथ भी कुछ इसी तरह की में और इसका सोल्यूशन आप सर्च कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ऑटो कॉल आंसर। एक फीचर होता है जो कि सभी कंपनियों के द्वारा आपके फोन में दिया जाता है, फिर आप चाहे वीवो का फोन यूज करते हो, ओप्पो का फोन यूज करते हो, एमआई का फोन यूज करते हो, सैमसंग का फोन यूज करते हो, आप किसी भी ब्रांड का फोन यूज करते हो, आपकी सेटिंग में ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना होगा कॉल सेटिंग। अगर आपको इस तरह से नहीं मिलती है तो यहां पर आप टाइप कर सकते हैं कॉल सेटिंग। जैसे आप यहाँ पे कॉल सेटिंग लिख के सर्च करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट में मिल जाएगी कॉल सेटिंग, आपको इसको ओपन कर लेना है। या फिर अगर आपके फोन में सर्च बार नहीं है तो एक ऑप्शन में आपको और बता देता हूँ, आपको अपने डायलर पैड को ओपन करना है। डायलर पैड को ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इसको टैप करना है तो आप यहाँ पे भी टैप कर सकते हैं या फिर सेटिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको अपनी कॉल सेटिंग में आ जाना है। कॉल सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऑटो आंसर, आपको इसी को ओपन कर लेना है। अगर आपके फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपके फोन में यह आपकी गलती से इस तरह से एनेबल हो चुका है। अगर ये एनेबल रहेगा तो कोई भी इनकमिंग कॉल जो आपके फोन पे आएगा उसको आप रिसीव भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। और यहां पर आप इसका डिले टाइम भी देख सकते हैं कि 3 सेकंड, यानी कि जैसे कोई इनकमिंग कॉल आएगा 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो रिसीव हो जाएगा। तो यहां से आप इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको ऑफ करना है सिंपली आपको इस बटन को ऐसे ऑफ कर देना है और यहां से इसको बैक ले लेना है। बस दोस्तों आपका काम यहाँ पे हो चुका, हमने ऑटो कॉल आंसर वाले फीचर को यहाँ पे डिसेबल यानी कि ऑफ कर दिया। अब आपके फोन पे आने वाली कोई भी इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिक रिसीव नहीं होगी, जिस तरह से आप पहले उसको मैन्युअली रिसीव किया करते थे उसी तरह से आप उसको रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।